Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this is the last video related to correlation coefficient, tetrachoric and phi coefficient of correlation. I have already discussed the concept of correlation, the concept of correlation coefficient, the method of Spearman's rank correlation coefficient, Pearson's product moment correlation coefficient, partial and multiple correlation, and biserial and point biserial correlation. I have already discussed, and this is the last topic in this context. Okay, so the lecture will be in bilingual mode, and it must be useful for all of you. कोरिक कोरिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया. सहसंबंध हम जान गए कि सहसंबंध होता है चरों के बीच में, ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है. फिर हमने जाना कि हम सहसंबंध गुणांक हमको स्ट्रेंथ बताएगा कि कितना मजबूत ये सहसंबंध है. तो अगर धनात्मक है तो इसका मतलब कि एक चर बढ़ने से दूसरा चर बढ़ रहा है, ऋणात्मक है तो एक चर बढ़ने से दूसरा चर घट रहा है. और इसका मान माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही हो सकता है, इसके इतर नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए. अब इसमें बस एक टेट्राकोरिक और फाई रह गया है. इस पे भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसमें कॉस थीटा, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है इसके फॉर्मूले में, तो आप नहीं लगा पाएंगे. सिर्फ आपसे इस पर कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्राकोरिक एंड फाई कोरिलेशन, इन व्हाट कंडीशन यू कैन यूज टेट्राकोरिक कोरिलेशन एंड ऑल. ठीक है, तो क्या है टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोफिशियंट, आर टी ई टी. देखिए हमने बार बार जाना कि आर क्या है, कोरिलेशन का मतलब जो है फॉर्मूला है, सूत्र है, नामांकन हम आर से करते हैं डिनोट, और टीईटी नीचे लिख दिया तो टेट्राकोरिक के लिए हो गया. बिस लिखा था तो वाई सीरियल के लिए था, पी डॉट बिस लिखा था तो पॉइंट वाई सीरियल के लिए था. इस तरह से इज यूज्ड व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर डाइकोटमस लाइक द फाई, बट वी नीड ऑल्सो टू बी एबल टू एज्यूम बोथ वेरिएबल्स रियली आर कंटिन्यूअस एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. देखिए जब तक आपको कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है ये नहीं पता होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये नहीं पता होगा, डाइकोटोमी किसको बोलते हैं नहीं पता होगा, तो आप सिर्फ इसको रट सकते हैं, और रटने पर आपका वो ज्ञान आपका साथ नहीं देगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी. आपको समझना होगा कि चर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इसका मतलब वो एनपीसी को फॉलो कर रहे हैं. एनपीसी को फॉलो कर रहे हैं मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि जो मैक्सिमम एरिया है वो बीच में है और जो एक्सट्रीम केसेस हैं वो कम होते हैं. और कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल किसको कहते हैं, फिर डाइकोटमी जब हम एक आंकड़े को दो कैटेगरी में बांटते हैं वो डाइकोटमी है. उसमें भी हम लोगों ने ये बात कर ली है कि नेचुरल डाइकोटमी होती है जैसे मेल फीमेल जेंडर वाइज, या आर्टिफिशियल डाइकोटमी हो सकती है जैसे कि हमने किसी चीज को दो भागों में बांट दिया है, जैसे हमने बता दिया पास फेल कि कितने स्टूडेंट्स पास हैं कितने फेल हैं, ये आर्टिफिशियल डाइकोटमी है. ओके, तो टेट्राकोरिक कह रहे हैं कि तब यूज होता है जब दोनों वेरिएबल डाइकोटमी हो फाई की तरह ही, बट इसमें वेरिएबल्स को कंटिन्यूअस और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होना चाहिए. ओके, तो टेट्राकोरिक कोरिलेशन इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू डाइकोटमस वेरिएबल्स विद अंडरलाइंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि टेट्राकोरिक कोरिलेशन तब लगाते हैं जब जो कोरिलेशन जिन वेरिएबल्स के बीच में हो रहा हो वो डाइकोटमस हो दोनों ही, और वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन उनके अंदर चलता हो, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वो फॉलो करते हो. इफ द टू वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन ए मोर रिफाइंड वे देन द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विल रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड टू फीमेल्स एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन आर टू वेरिएबल्स टू बी कोरिलेटेड. वो कह रहे हैं कि फीमेल्स के प्रति अभिवृत्ति और लिबरलाइजेशन के प्रति अभिवृत्ति, अगर हमको इन दो चरों के बीच में कोरिलेशन निकालना हो तो आप टेट्राकोरिक लगा दीजिए. क्यों? क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स क्या है, डाइकोटमिस है, मतलब हमने बांट दिया ना दो में, लिबरल एटीट्यूड टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन एटीट्यूड टूवर्ड्स फीमेल, यानी कि ये दोनों ही डाइकोटमस है. Now we measure them as having positive or negative attitude. तो हम नाप लेंगे कि उसका positive attitude है कि negative. मान लो कि हम negative attitude को 0 अंक दे रहे हैं और positive attitude को 1 दे रहे हैं on both the variable. Then the correlation between these two variables can be computed using tetrachoric correlation. तो ये दशा याद रखनी है हमको बाइसीरियल पॉइंट बाइसीरियल टेट्राकोरिक और फाई के बीच में कि किस दशा में कौन सा सहसंबंध लगेगा. जब दोनों ही वेरिएबल डाइकोटमस हो और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो कंटिन्यूअस वेरिएबल हो तो टेट्राकोरिक लगेगा. जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि द वेरिएबल्स आर एक्चुअली कंटिन्यूअस इन नेचर बट मेजर्ड एज नॉमिनल सेट एंड डाइकोटमस.
देखिए आपको ये भी याद होना चाहिए स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. बहुत पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये चार स्केल होते हैं. तो जो सबसे नीचे वाला होता है उसको नॉमिनल कहते हैं. नॉमिनल मतलब बस नाम है, उसमें हमको ना उनकी रैंक पता है, ना ऑर्डर पता है, कुछ नहीं पता है, तो सिर्फ नाम है. और दीज कंटिन्यूअस वेरिएबल्स इफ मेजर्ड एग्जैक्टली वुड लीड टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये दो पॉइंट्स टेट्राकोरी के लिए है कि जो वेरिएबल हो कंटिन्यूअस होना चाहिए और नॉमिनल सेट में होना चाहिए और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए. जैसे फीमेल और मेल, ये देखिए डाइकॉटमा है ना, इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल डाइकॉटमी की बात नहीं हो रही है, बस ये हो रही है कि दोनों वेरिएबल डाइकॉटमस होने चाहिए. तो फीमेल और मेल ये नेचुरल डाइकॉटमी है और नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स ये आर्टिफिशियल डाइकॉटमी है ना, या नेचुरल डाइकॉटमी भी हो सकती है, जेन्युइन डाइकॉटमी, ये दोनों ही डाइकॉटमस है. तो ये फीमेल मान लीजिए नॉन स्मोकर्स 23 हैं, स्मोकर्स 21 हैं, मेल में मान लीजिए 27-17 हैं. तो फॉर्मूले के लिए है, फॉर्मूला वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा. तो टोटल इसका हो गया 44, इसका भी टोटल 44 है, इधर से जोड़ा 50, 38, 88. तो ये एक टेबल आपको दी हुई है और कहा जाएगा, कहा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल कि टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोफिशिएंट बताइए. फॉर्मूला ये लगता है, इसीलिए आपसे इसका सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कॉस थीटा इसमें आ गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो आप नहीं लगा पाएंगे. तो कह रहा है आर टी ई टी इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री इंटू अंडर रूट बी सी को भाग दे दिया अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी. तो बी सी ए डी बी सी के नाम आपको, मान आपको पता होंगे, और 180 डिग्री, तो इसमें ये सारा टेबल देखनी पड़ेगी. इस तरह से करके इसका मान 0.145 आएगा. तो ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये दो है कि कंटिन्यूअस इन नेचर होने चाहिए वेरिएबल और नॉमिनल सेट में मेजर होने चाहिए और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए. अब फाई क्या है, फाई कह रहा है कि द फाई कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड एज नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ एसोसिएशन व्हेन द डेटा इज जेन्युइनली डाइकॉटमस इन नेचर. यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो, जो वेरिएबल है वो नेचुरल डाइकॉटमी होनी चाहिए, ऐसी बात टेट्राकोरिक में नहीं थी. दूसरी बात, ये नॉन पैरामेट्रिक मेजर है. अब ध्यान दीजिए कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है. पैरामेट्रिक वो होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक, इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करेगा. इसका मतलब टेट्राकोरिक और फाई के बीच में मेन अंतर क्या हुआ, डाइकॉटमी की बात तो दोनों जगह हो रही है लेकिन टेट्राकोरिक पैरामेट्रिक मेजर है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए उसका डेटा, और जबकि फाई कोफिशिएंट नॉन पैरामेट्रिक है, इसका मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करेगा. यही देखिए, यही बात निकल के आ रही है, एज दी वेरिएबल्स आर नॉट एग्जैक्टली कंटिन्यूअस सो दे कैनॉट फॉल इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो फाई कोफिशिएंट का डेटा है, वो जो वेरिएबल है उसका, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है. एंड दिस सेट्स फाई कोफिशिएंट डिफरेंट फ्रॉम टेट्राकोरिक कोरिलेशन. और यही फाई कोफिशिएंट और टेट्राकोरिक कोरिलेशन के बीच में अंतर है. वो आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्राकोरिक एंड फाई, तो आप कहेंगे टेट्राकोरिक और फाई दोनों ही कोफिशिएंट हम कोरिलेशन तब निकालते हैं जब हमारे पास डाइकॉटमस वेरिएबल होता है, लेकिन टेट्राकोरिक कोफिशिएंट तब निकालते हैं जब वो वेरिएबल पैरामेट्रिक होता है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और फाई कोफिशिएंट में फॉलो नहीं करता है. सॉरी. फिर दी फाई कोफिशिएंट इज वेरी यूजफुल इन आइटम एनालिसिस, द कैलकुलेशन ऑफ आइटम टू आइटम कोरिलेशन इज टू बी कैलकुलेटेड, द टेट्राकोरिक एंड फाई कोफिशिएंट कोरिलेशन शेयर द सेम रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स एज बाईसीरियल एंड पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैव अमंग देमसेल्व्स. तो कह रहे हैं इस तरह से टेट्राकोरिक और फाई भी लगभग उसी तरीके का रिलेशनशिप आपस में शेयर करते हैं जैसे बाईसीरियल और पॉइंट बाईसीरियल. बस हमको दशा ध्यान देनी कि कब किस कंडीशन में क्या लगाएंगे. और क्या है इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए. ये कह रहे हैं कि पियर्सन्स कोरिलेशन बिटवीन वन डाइकॉटमस वेरिएबल एंड अनदर कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कॉल्ड एज पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन. हमने यही तो पढ़ा था ना कि पियर्सन का जो बाईसीरियल पॉइंट बाईसीरियल है वो पियर्सन के ही स्पेशल फॉर्म है. पियर्सन में जब एक डाइकॉटमस हो जाता है दूसरा कंटिन्यूअस हो जाता है तो हम पॉइंट बाईसीरियल लगाते हैं. व्हेन बोथ द वेरिएबल, और जब दोनों ही डाइकॉटमस हो जाएंगे तो क्या लगाएंगे, फाई लगाएंगे. समझ में आई बात, मतलब क्रमवार है कि एक डाइकोटमस हुआ तो आपने पॉइंट बाई सीरियल लगाया. अब यहाँ पे आपने पॉइंट बाई सीरियल है कि बाई सीरियल है ये तब देखना पड़ेगा कि डाइकोटमी क्या है, नेचुरल है कि जेन की आर्टिफिशियल है. यहाँ पे नेचुरल आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो एक डाइकोटमस हुआ तो आपने पॉइंट बाई सीरियल लगा दिया, दोनों डाइकोटमस हुए तो आप फाई लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट यू हैव टू कंप्यूट कोरिलेशन बिटवीन जेंडर एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. द जेंडर टेक्स, तो जेंडर भी क्या हो गया, डाइकोटमस हो गया, क्योंकि इसमें दो कैटेगरी बन जाएगी मेल फीमेल. और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी यानी किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये भी आपका दो कैटेगरी में बढ़ जाएगा. कुछ लोग होंगे जिनके पास होगी, कुछ के पास नहीं होगी. तो दोनों ही वेरिएबल अब हमारे क्या हो गए, डाइकॉटमस हो गए. तो अब हम फाई कोफिशिएंट लगा सकते हैं. क्यों, क्योंकि ये जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है. अगर यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता होता तो आप टेट्राकोरिक लगाते.
ये इसका फॉर्मूला है। ये तीन बात दो बातें यहाँ ध्यान देनी है कि वेरिएबल आर ट्रूली डिस्क्रीट इन नेचर विद नो अंडरलाइंग कंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, और वेरिएबल कैन बी मेजर्ड इन ओनली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, तो आप ये लगा देंगे। फाई इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी भागित अंडर रूट ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू बी प्लस डी इंटू ए प्लस सी, इस तरह से करके इसका मान आ जाएगा 0.091। ठीक है, सिर्फ आपको दशा ध्यान देनी है सभी तरीके के कोरिलेशन कोफिशिएंट में, और सभी पियर्सन्स प्रोडक्ट के ही एक तरीके से आप कह सकते हैं रिफाइंड वे हैं, कि किसी में जब एक डाइकोटमस हुआ तो आपने बाइसीरियल या पॉइंट बाइसीरियल लगा दिया इस दशा को देखते हुए कि जो डाइकोटमी है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, जब दोनों डाइकोटमस हुए तो आप फाई या टेट्राकोरिक लगाएंगे इस दशा को ध्यान में रखते हुए कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो टेट्राकोरिक लगाएंगे, नहीं कर रहा है तो फाई लगाएंगे। इन सब के लिए आपको वेरिएबल नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, कंटिन्यूअस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डाइकोटोमी क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब जब पता होगा तभी कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए बेसिक से पहले देखिए, फिर देखिए कितनी आसान लगने लगती है आपको स्टैटिस्टिक्स, और इसमें तो आपसे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट पूछा जाएगा। सवाल सिर्फ प्रोडक्ट मोमेंट तक है, या कहीं कहीं पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन पे सवाल है, उसमें भी आर ए बी बी सी सी डी सबके मान आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे फाइनली आई हैव कंप्लीटेड द होल टॉपिक ऑफ कोरिलेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।